हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू होम्योपैथ। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस रिकॉर्ड कीपिंग इन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेटी केन। डॉक्टर जेटी केन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कीपिंग क्या है ये हम देखेंगे। इसमें ये आप लोगों को 5 मार्क और 10 मार्क के क्वेश्चन में ये फिलॉसफी दिखेगी। तो स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथी डिपेंड्स अपॉन द साइन एंड सिम्टम्स टोल्ड बाय द पेशेंट रिलेटिव एंड द फिजिशियन इंटरप्रिटेशन अबाउट द कंप्लेंट स्टेट बाय द पेशेंट। होम्योपैथी जो है वो डिपेंड करती है साइन एंड सिम्टम्स पे। जो साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट बताता है उसके रिलेटिव या फिर फिजिशियन जो है वो अंडरस्टैंड करता है, ऑब्जर्व करता है। नाउ नेक्स्ट वन, इन होम्योपैथी टेकिंग अ केस इज अ आर्ट। होम्योपैथी में केस टेकिंग जो है एक आर्ट है। केस टेकिंग जो है हमारी पैथी में ही है, बहुत डीपली है ये। अगर हम केस टेकिंग प्रॉपर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन भी प्रॉपर होगा। व्हाई शुड वी कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट। हमको क्यों ज़रूरी है पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, तो देखते हैं। फर्स्ट वन, टू नो द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स। नेक्स्ट सेकेंड, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट, टू डिसाइड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। टू डिसाइड द ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। फिफ्थ वन, फॉर द रेफरेंस फॉर अदर फिजिशियन। एंड नाउ लास्ट वन, इट इज़ अ लीगली कंपल्सरी टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड द ट्रीटमेंट गिवन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स रूल। हम ये 6 पॉइंट को डीपली देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ टू नो द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। वेन वी टेक द केस ऑफ द पेशेंट वी फॉर्म अ पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज पिक्चर। देखो हमको क्यों ज़रूरी है सिम्टम्स को मतलब कलेक्ट करना। जब हम रिकॉर्ड कीपिंग रखते हैं या सिम्टम्स लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स को हम जब लेते हैं, तो हम एक पिक्चर एक अपने दिमाग में एक वो डिजीज़ पिक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं। वी थ्रो अवे वॉट एवर इज नॉट नेसेसरी एंड इंक्लूड ओनली दो सिम्टम दैट आर नेसेसरी इन फाइंडिंग आउट द करेक्ट मेडिसिन फॉर द पेशेंट। टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स जब हमारे पास रहेगी तो हम करेक्ट मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट ऑफ पेशेंट इन वन सिटिंग। बट प्रॉब्लम क्या है, जब पेशेंट जो है फर्स्ट टाइम आता है तो वो अपने सारे सिम्टम्स जो है वो हमको मतलब इतने अच्छे से नहीं बताता है। द पेशेंट मे फॉरगेट समथिंग एट द फर्स्ट सीटिंग एंड रिमेंबर इट वेन ही शी कम्स नेक्स्ट टाइम। पेशेंट को जो है वो फर्स्ट सीटिंग में फर्स्ट जब वो केस टेकिंग देने आता है, अपना केस बताता है, तब उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके उसको सारे अपने कंप्लेंट्स याद रहे। लेकिन जब नेक्स्ट विजिट में वो आएगा तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि उसको वो सिम्टम्स याद रहे जो उसने फर्स्ट सिटिंग में नहीं बताया था। इन दैट केस वी शुड बी एबल टू कोरिलेट द न्यूली एडेड सिम्टम विद द प्रीवियस सिम्टम्स। द न्यू सिम्टम्स विल बी एडेड इन द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम ड्यूरिंग ईच सब्सक्वेंट विजिट। दिस वे द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स कैन बी बिल्ट। इसमें क्या दिया है कि अगर पेशेंट जो है फर्स्ट टाइम जब आया है उसमें वो अपने सारे सिम्टम्स नहीं बताया है, लेकिन सेकेंड विजिट में वो अपने जो सिम्टम्स बताएगा, तो हम जो है टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स में न्यूली सिम्टम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास पेशेंट का जो फर्स्ट टाइम का विजिट पेपर रहेगा, केस पेपर, उसका रिकॉर्ड रहना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। Once a medicine is given to the patient, he comes next time and tells whether he is better or worse, or sometime are better and other are worse. देखो हमारे पास रिकॉर्ड रहना क्यों ज़रूरी है, हमको ये पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट टाइम मेडिसिन क्या दिए थे। अब इसमें पेशेंट को इससे हमको समझ में आएगा कि जो पहली मेडिसिन हम दिए थे उससे पेशेंट जो है उसको उससे बेटर फील हुआ है या फिर सिम्टम्स जो है वो वर्स हो गए हैं। In any case, the physician must have the record of the symptoms told by the patient in his/her previous visit. Now, next one, it is impossible for a physician to remember each and every characteristic of every patient. ये physician के लिए बहुत impossible है कि वो हर patient का characteristic वगैरह जो है वो याद रखे, क्योंकि ऐसे तो दिन में फिजिशियन कई पेशेंट देखता है, तो इतना प्रॉपर याद रखना इट इज़ इम्पॉसिबल कि कौन से पेशेंट को हमने कौन सी मेडिसिन दी थी। इसीलिए हमारे पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन, इफ़ द फिजिशियन हैज़ अ रिकॉर्ड इट बिकम ईजी फॉर हिम टू रिफर बैक एंड अंडरस्टैंड वेदर हिज मेडिसिन इज़ वर्किंग और नॉट।
अगर हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा तो ये फिजिशियन के लिए बहुत ही इजी होगा कि उसको समझ में आए, वो अंडरस्टैंड करे कि उसकी मेडिसिन जो है वो वर्क की है या नहीं। नाउ नेक्स्ट वन, टू डिसाइड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, दिस डिपेंड अपॉन द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू द मेडिसिन गिवन प्रीवियसली। द सिलेक्शन ऑफ द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड अपॉन व्हाट चेंजेस हैव अकर आफ्टर गिविंग द प्रीवियस मेडिसिन। देखो, जब रिकॉर्ड कीपिंग होता है, जब हम रिकॉर्ड रखते हैं हमारे पास फर्स्ट टाइम का, तो उससे हमको समझ में आएगा कि हमको जो है प्रीवियस मेडिसिन ही रिपीट करना है, वो वर्क की है या नहीं। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डिपेंड करता है फर्स्ट केस टेकिंग पे। इसीलिए आप लोग जो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में जब सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को डीपली समझ में आएगा कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास केस, वो क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है हमारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे। नाउ नेक्स्ट वन, टू डिसाइड द ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज़ अ पॉसिबल दैट द पेशेंट्स मे बी सफरिंग फ्रॉम द फॉल्सी टर्म्स क्रोनिक डिजीज, that means a pseudo chronic disease. This can be in relation to the occupation or place of residence or improper diet or improper use of medicines. देखो, ये पॉसिबल है कि पेशेंट जो है वो सफ़र करे फॉल्सी टर्म क्रोनिक डिजीज़ का। मतलब क्या है, आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में पढ़े होंगे सूडो क्रोनिक डिजीज़। इसमें मतलब या तो पेशेंट को है इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन, इसकी वजह से जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है। अगर एग्जांपल देखें इसका, फॉर एग्जांपल, इफ़ द पेशेंट इज़ अ वर्किंग इन अ प्लेस वेयर ही हैज़ टू सिट इन अ चेयर फॉर मेनी आवर्स, ही मे सफ़र फ्रॉम बैकिंग। ओनली मेडिसिन मे नॉट क्योर द पेशेंट, कंटिन्यूसली सिटिंग इन अ चेयर फॉर अ मेनी आवर्स बिकम द मेंटेनिंग कॉज ऑफ द इलनेस ऑफ द पेशेंट। Advising the patient to exercise can be an auxiliary treatment which will help the patient to get faster relief from his symptoms. For example, देखो, एक patient है, वो काम कर रहा है, मतलब कई time, बहुत घंटों तक वो एक चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको बैकएक होगा, मतलब कमर में उसके दर्द होगी। तो मेडिसिन जो है, सिर्फ मेडिसिन ही उसको क्योर नहीं करेगी। अगर वो कंटिन्यूसली बैठ रहा है चेयर पे, तो ये जो है एक मेंटेनिंग कॉज है, जिसमें हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे मेडिसिन के साथ साथ वो एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज जो हमारा हो गया, ये ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट हो गया, जिसकी वजह से हमको बहुत ही फास्टर रिजल्ट मिल सकता है और पेशेंट जो है वो फास्टर रिलीफ हो सकता है पेशेंट को। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर रेफरेंस फॉर अदर फिजिशियन, If a patient leave town and shift to some other place, it may not be possible for the patient to continue the treatment from the first physician. देखो, अगर patient जो है वो कहीं दूसरी जगह shift हो गया है या फिर कहीं पे गांव वगैरह चले गए हैं, तो ये possible नहीं है कि patient जो है वो treatment continue कर सके अपने first physician के पास से। In that case, the other physician will be able to continue the treatment if he gets the record of the previous treatment given to the पेशेंट। इस केस में हम क्या करेंगे, हमको क्यों रिकॉर्ड कीपिंग रखना है, जब अगर ऐसा कोई केस होता है या फिर ऐसा कुछ, कभी कभी पेशेंट जो है एक यहाँ पे ट्रीटमेंट करते करते दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे। लेकिन अगर उसके पास रिकॉर्ड कीपिंग रहेगा, उसके पास अपना रिकॉर्ड रहेगा, तो दूसरा जो फिजिशियन है वो रिकॉर्ड को देखते हुए ट्रीटमेंट को जो है वो फर्दर कंटिन्यू रख सकता है। नाउ नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स रूल, इट इज़ अ कंपल्सरी टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू ऑल पेशेंट। ये कंपल्सरी है कि हम जो मेडिसिन देते हैं, जो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। दिस मे बी नेसेसरी इज अ मेडिको लीगल केसेस। डॉक्टर केन सेज, विदाउट रिकॉर्ड इज लाइक अ बींग एट सी विदाउट द कैंपस। From this we can easily understand the importance of record keeping in homeopathy. ये जो हमने 6 पॉइंट देखे हैं कि रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है, तो इस ये जो 6 पॉइंट कवर कर रहे हैं, इससे हमको ईजिली समझ में आ रहा है कि क्या इम्पॉर्टेंस है रिकॉर्ड कीपिंग की होम्योपैथी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।